नमस्कार साथियों, आपका ए टू जेड नौकरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे विश्वकर्मा योजना क्या है, किसके लिए है, किस एज के लिए है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इस सारी पूरी जानकारी एक वीडियो में देंगे। विश्वकर्मा योजना जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के लिए है। यह 18 कैटेगरियों के लिए अवेलेबल है, 18 श्रेणियां इसमें आवेदन कर सकती है। वो श्रेणियां है सुतार है, हथौड़ा और औजार निर्माण करने वाले, हथियार निर्माता, तालाब में मछली पकड़ने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, सुनार, कुमार, चमत्कार, मोची, राजमिस्त्री, झाड़ू, चटाई, टोकरी बनाने वाले, खिलौना निर्माण करने वाले, मालागार, धोबी, दर्जी, नाई निर्माता एवं फिटनेस निर्माता, जिनकी उम्र 18 साल से है या 18 साल से ऊपर है, जो कारीगर या शिल्पकार है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना पीएम मोदी ने देश के लिए निकाली है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य 2023 से लागू की गई इस अवधि में वित्तीय वर्ष 23-24 और 27-28 तक सबको रोजगार देना है। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र है? 18 पारंपरिक वैश्य के सूढ़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के, जो 18 मैंने अभी बताए थे, उसमें से कोई कैटेगरी का आपका कोई है रिश्तेदार या कोई खुद का परिवार का सदस्य है, वो जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, कारीगर हो, शिल्पकार हो। दूसरा है, इसमें ऐसा कभी ना हुआ हो कभी आपने कोई दूसरा ऋण लिया हो, इंदिरा गांधी वाला है, 10,000 वाला, 15,000 वाला या 50,000 वाला, ऐसा कोई सरकारी ऋण नहीं लिया हुआ हो वो पात्र होगा। अगर आपने लोन पहले से ले रखा है कोई 50,000 इंदिरा गांधी वाला या 10,000 वाला, तो आप इसके लिए आप पात्र है। तीसरा, आवेदन करने वाला बंदा, उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए या उसकी खुद की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकता है। चौथी इम्पोर्टेंट बात, एक परिवार में एक ही सदस्य फॉर्म भर सकता है, या तो हस्बैंड भर सकता है या वाइफ भर सकती है, दोनों में से एक फॉर्म भर सकता है। योजना का लाभ कैसे मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस बात पर गौर से सुनिए। योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा और पहचान पत्र जारी किया गया और 15,000 रुपए टूल किट के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। 5 से 7 दिन का बेसिक स्किल ट्रेनिंग और उसके दौरान आपको 5 से 7 दिन तक ट्रेनिंग भी देंगे। उसके दौरान जो आप 5 से 7 दिन जाओगे उसका पारिश्रमिक 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार दे ही करेगी। प्रथम किस्त के रूप में ये सर्टिफिकेट जारी होने के बाद में, टूल किट के 15,000 आने के बाद में आगे क्या होने वाला है? 15 दिन बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल गया, टूल किट के पैसे आ गए, उसके बाद में प्रथम किस्त के रूप में 1,00,000 रुपए का आपको लोन मिलेगा, जो सिर्फ 5% की ब्याज रेट से होगा। और उसके बाद में वो लोन कंप्लीट हो जाने पर दूसरी किस्त लोन की 2,00,000 रुपए की मिलेगी, जो अधिकतम 8% तक हो सकती है। डिजिटल ट्रांजेक्शन के रूप में 1 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन आपको करने हैं, अकाउंट भी चालू रखना है, अकाउंट ऐसा ना हो अकाउंट आपका बंद हो, अकाउंट आपको चालू रखना है। लाभार्थी, जो लाभार्थी है वो जेम पोर्टल से जुड़ने, ऑनलाइन चीजें बेचने के लिए जो सरकारी जेम पोर्टल होता है उसमें भी आपको जोड़ने के लिए मोदी सरकार इसके थ्रू आगे मेहनत करके आपको आपका जो भी सामान वगैरह है जेम पोर्टल पर ऑनलाइन बेचने की भी तैयारी करेगी। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे होता है? आवेदन सीएससी आईडी से होता है। आवेदन करने के लिए आप जहाँ सीएससी सेंटर है वहां जा सकते हैं, आधार कार्ड, बैंक डायरी और राशन कार्ड लेके। आवेदन के लिए आपके फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है, यानी कि आप किसी के साथ में आवेदन भेज नहीं सकते हो, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए आपको खुद को दुकान जाना पड़ेगा, वहां आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद में आपका आवेदन होगा। आवेदन करने के लिए अगर आप जोधपुर में हैं, जोधपुर में नजदीक है, तो चामुंडा ई मित्र आपके लिए बेस्ट पैलेस है। चामुंडा ई मित्र, दूसरी कोल मां मंदिर जोधपुर, जहां आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आप आधार कार्ड, बैंक की डायरी और मोबाइल साथ में, आधार लिंक मोबाइल नंबर साथ में लाना अनिवार्य है। आधार कार्ड, बैंक डायरी और आधार नंबर लेके पधारे चामुंडा ई मित्र और हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन करवाए,
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत और पाए 15,000 रूपए टूल किट के रूप में, धन्यवाद। ऐसी जानकारी और भी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, फॉरवर्ड करें, लाइक करवाएं, धन्यवाद।